शादी को लेकर अपने पुराने बयान पर ट्रोल हुई नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई। अब कहा आजादी खोने का था डर, आधे मन से दिया गया था पहले का बयान। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुझान के बीच घरेलू मार्केट में भी शानदार तेजी रही, लेकिन रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स और मेटल और पीएसयू स्टॉक्स में बिकवाली के चलते बाजार ने गवाई बढ़त। कारोबार के अंत में 32 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 60,718 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 6 पॉइंट की तेजी के साथ 18,109 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने चांदी के दाम में सोमवार को बढ़ोतरी की गई दर्ज। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 160 रुपए की बढ़त के बाद 49,163 रुपए पर पहुंची। 159 रुपए की बढ़त के साथ 48,966 पर पहुंचा 22 कैरेट सोना। वहीं 146 रुपए की बढ़त के साथ 45,033 रुपए पर पहुंचा 18 कैरेट गोल्ड का रेट। इसी तरह 1 किलो चांदी के दाम भी 203 रुपए की बढ़त के साथ 66,488 रुपए पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को इतिहास रच दिया। उसने न्यूजीलैंड को दुबई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 8 विकेट से हराकर पहली बार इस फॉर्मेट में विश्व खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जश्न में ऐसे डूबे कि बियर को जूते में डालकर पी गए। आईसीसी ने एक वीडियो सोमवार को शेयर किया जिसमें मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोनियस जूते में बियर डालकर पीते नजर आ रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद अपना पहला फोटोशूट कराया है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अनुष्का ने यह फोटोशूट एक मैगजीन कवर के लिए कराया है। उनकी तस्वीरें शेयर करते ही हर कोई उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी के बारे में चर्चाएं कर रहा है। आलिया भट्ट काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। पहले जब थिएटर खुलने की घोषणा हुई थी तो मेकर्स ने 6 जनवरी 2022 को फिल्म रिलीज का ऐलान किया था, लेकिन अब 18 फरवरी 2022 को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और एक्ट्रेस पत्रलेखा की शादी का इनविटेशन कार्ड सामने आया है। हाल ही में उनकी सगाई सेरेमनी का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर पत्रलेखा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया था। आपको बता दें, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी शादी को मीडिया से भी दूर रखा है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अगले महीने दिसंबर में बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन शादी से पहले उन्होंने धमाल करने का पूरा प्लान तैयार किया है। खबरों की माने तो अंकिता गोवा में बैचलर पार्टी मनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें उनके करीबी दोस्त शामिल होंगे। 12 दिसंबर को मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होगी दोनों की शादी की रस्में। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर आने लगी है। कुछ टाइम पहले ही शहनाज ने तू यही है म्यूजिक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए शहनाज ने अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट दिया था। शहनाज ने एक बार फिर नया वीडियो शेयर किया है। फैंस बोले शेरनी कमबैक। पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 के स्टेज पर पुनीत पाठक और सलमान यूसुफ शर्टलेस होकर हम्मा हम्मा गाने पर डांस करते नजर आए। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने मालदीव के सनिक व्यू की खूबसूरती फोटो के जरिए शेयर की। टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या 16 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।